हेलो गाइस, तो वेलकम टू माय खुफिया टेक चैनल। तो दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं मेरे मोबाइल में दो सिम कार्ड है, आपके भी मोबाइल में दो सिम कार्ड होगा, लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि एक सिम कार्ड बता रहा है और एक सिम कार्ड नहीं बता रहा है। तो दोस्तों, आप लोग ऊपर देख रहे हैं, यहाँ पर मेरा टावर जो आपको दिखाई दे रहा है एक सिम का बता रहा है। तो दोस्तों, ये सेटिंग हमारी कुछ यहाँ पर ऑफ हो जाती है, तो आपको किस तरह से इसका प्रॉब्लम फिक्स करना है चलिए देखते हैं। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए दोस्तों, आपको क्या करना है, सिंपल यहाँ पर आपके मोबाइल के सेटिंग के अंदर चले जाना है। आप लोग ने सिम तो इंटर किया होगा, जरूर आप लोगों को इंटर करना है आपके मोबाइल के अंदर। तो चलिए चलते हैं हम लोग सेटिंग के अंदर। यहाँ से सेटिंग पे आने के बाद दोस्तों, आपको यहाँ पर एक ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, वाईफाई एंड नेटवर्क। आपके मोबाइल में सिम नेटवर्क या फिर सिम सेटिंग, इस तरह से कुछ यहाँ पर ऑप्शन रहेगा। तो मेरे इसमें लिखा है वाईफाई एंड नेटवर्क, तो आपको क्या करना है, नेटवर्क सेटिंग में चले जाना है। यहाँ पर आने के बाद दोस्तों, सिंपल आपको देखिए सिम एंड नेटवर्क का एक ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देगा, तो आपको क्या करना है, सिम एंड नेटवर्क के ऊपर क्लिक करना है। दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं मेरा सिम वन का जो आपको बता रहा है एयरटेल यहाँ पर, और देखिए सिम टू में यहाँ पर डिसेबल बता रहा है, मतलब इनएक्टिव बता रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, सिम टू अगर आपका बंद है या फिर सिम वन बंद है, तो उसी ऑप्शन में आपको चले जाना है। देखिए मेरा यहाँ पर सिम टू बंद है, तो अभी हम लोग दोस्तों इसे नेटवर्क लाने के लिए क्या करेंगे, सिंपल यहाँ से सिम टू के ऊपर क्लिक करेंगे। और देखिए ये अंदर से यहाँ से बंद रखा हुआ है, मतलब सेटिंग में कुछ गड़बड़ हो रहेगी या फिर कुछ प्रॉब्लम हुआ रहेगा, तो आप लोग इस तरह से फिक्स कर सकते हो ये प्रॉब्लम। तो सिम टू को सिंपल यहाँ से ऑन कर देना है। इस तरह से ऑन करने के बाद दोस्तों, आपको एक और सेटिंग करनी है। यहाँ पर देखिए ऊपर तो नेटवर्क आ चुका है, लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं ये सिम चालू होने के बाद इसका इंटरनेट भी इजी यहाँ पर चले, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर प्रेफर्ड नेटवर्क टाइप करके एक ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो आपको क्या करना है, इसे ओपन करके ले लेना है। और सिंपल दोस्तों, अगर यहाँ पर 2G होगा तो आपका यहाँ पर सिम नेटवर्क यहाँ पर बताएगा, लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपका कोई कॉल आने वाला नहीं है, क्योंकि सिम टू जो भी हम लोग यहाँ पर ऑप्शन रखते हैं 2G, तो हमें क्या करना है, यहाँ से 2G 3G 4G ऑटोमेटिकली इस तरह से यहाँ पर इस तरह से ये ऑप्शन रखना है। तो दोस्तों इसमें क्या होगा, आपका यहाँ पर कॉल भी जाएगा और यहाँ से आपका नेटवर्क भी जो आपका पावरफुल मिलेगा, जो हमारा इंटरनेट है वो चल नहीं रहा है, तो ये सेटिंग आपको जरूर करना है, आपका इंटरनेट भी यहाँ पर इजी ट्रिक से चल पाएगा। तो चलिए दोस्तों, इस तरह से आपको यहाँ पर सेटिंग करनी है। और दोस्तों आपको यहाँ पर देखिए मोबाइल डेटा ऑप्शन यहाँ पर नीचे दिखाई दे रहा है, तो आप लोग क्या करेंगे, मोबाइल डेटा के ऊपर क्लिक करेंगे। तो मोबाइल डेटा के ऊपर क्लिक करने के बाद सिम वन का ऑप्शन और सिम टू का ऑप्शन यहाँ पर पूछ रहा है। दोस्तों आप लोग चाहते हैं सिम टू के ऊपर आपका नेटवर्क इंटरनेट चले, तो आप लोग सिम टू पर रख देना। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा एयरटेल वाले से जो सिम वन है उसके ऊपर मेरा इंटरनेट चले। तो चलिए दोस्तों, इस तरह से आप लोग ये बस सेटिंग कर देना, आपका जरूर यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।